हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग जा रहे हो किसी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। मीन्स व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंटरव्यू। तो इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि इंटरव्यू कल है और आपको पता आज चलता है या कभी कभी 10 दिन पहले पता चल जाता है। तो देखिए, उसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक मैंने वीडियो पहले बताया था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ के आपको जाना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के ही जाना है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। अगर हम बात करें तो पहले पढ़ के जाइए SFT। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है BMD। सब SFD पढ़ोगे तो BMD पढ़ोगे। उसके बाद है शियर वॉल के बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा। मैंने भी शियर वॉल के बारे में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप हो सके तो उसको भी पढ़ के जाओ। और उसके बाद डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी पूछ सकता है और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों मेथड्स को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिंड एनालिसिस पढ़ के जाना है आपको। सेस्मिक एनालिसिस। इसके बाद आपसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि सेस्मिक पूछ लेगा, बिन पढ़ लेगा। इसके बाद IS 456, IS 800। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अच्छे से आप मतलब कि कंक्रीट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो अच्छे से आप IS 456 पढ़ के जाना। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो अच्छे से आप IS 800 पढ़ के जाना। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस चीज़ से रिलेटेड है, बट ये सारी चीज़ें ठीक है, सेम है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैनुअल डिज़ाइन। किस चीज़ का दोस्तों? बीम का, कॉलम का, फुटिंग का और स्लैब का। इसके बारे में जरूर पूछते हैं। कुछ दो तीन टॉपिक्स और हैं जिनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पहला वाला SFD, तो SFD में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट लोड है तो उसकी शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर कोई UDL है तो उसका शियर फोर्स, पॉइंट लोड प्लस UDL दोनों लगा हुआ है तो उसका शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंस मतलब कि क्यों लाइक शियर फोर्स निकालते क्यों है बीम में या बेंडिंग मोमेंट निकालते क्यों है बीम में, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ यार, हर क्वेश्चन में SFD निकाल लो, BMD निकाल लो, बट क्यों पता ही नहीं है। तो CFO जो निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं जिससे हम शियर फेल्योर को रोक सके। अब आपको CFO की डिफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो डिफिनेशन क्या होता है? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड शियर फोर्स, एंड अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड BMD या बेंडिंग मोमेंट। तो अब इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि जो शियर फोर्स है बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट क्यों निकालते हैं? बेंडिंग मोमेंट इसलिए निकालते हैं जिससे हम फ्लेक्चर फेल्योर को रोक सके। किस चीज़ को रोक सके? फ्लेक्चर फेल्योर। अब आपको पता होना चाहिए फ्लेक्चर फेल्योर क्या होता है। बीम्स में आपने देखा होगा छोटे 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 क्रैक्स बन जाते हैं, वो क्या है? वो फ्लेक्चर फेल्योर है। बीम अचानक से ब्रेक हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो बीम अचानक से ब्रेक हो रही तो क्या हो रहा है? वो शियर फेल्योर हो रहा है। क्या हो रहा है? शियर फेल्योर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे शियर वॉल के बारे में, शियर वॉल अगर मैनुअल डिजाइन आप पढ़ के जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपने मैनुअल डिजाइन नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट टाइप्स पढ़ लो, और वो टाइप्स कहां पे लगते हैं, मतलब कि कौन सा टाइप कहां पे लगता है। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर टाइप शियर वॉल कहां पे होता है, देखिए शियर वॉल के 6 मेन टाइप्स हैं, तो रेक्टेंगुलर टाइप शियर वॉल कहां पे लगता है? रेक्टेंगुलर टाइप शियर वॉल लगता है किसी भी कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है उसके स्टोर रूम के पास में क्या लगता है? रेक्टेंगुलर टाइप शियर वॉल लगता है, ठीक है। इसके बाद कोर टाइप शियर वॉल होता है। कोर टाइप शियर वॉल जो होता है वो किसके लिए होता है? वो लिफ्ट एरियाज और स्टेयरकेस एरियाज के लिए लगता है। कहां के लिए? लिफ्ट एरियाज और स्टेयरकेस एरियाज के लिए। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ उसके बारे में। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है रिजिड फ्रेम शियर वॉल। रिजिड फ्रेम शियर वॉल कहां पे यूज किया जाता है दोस्तों? रिजिड फ्रेम शियर वॉल यूज किया जाता है लाइक जैसे आपकी कोई बड़ी हाई रेंज बिल्डिंग्स है, आपकी 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग्स है। अब 25 फ्लोर की बिल्डिंग है वो कहाँ पे लाइक जैसे कि अभी आप अगर रेक्टेंगुलर टाइप शियर वॉल यूज कर रहे हो तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? 150-400 mm। इतनी मोटी वॉल अगर हम लोग 20 फ्लोर पे 30 फ्लोर पे डालेंगे तो क्या होगा कि आपके बिल्डिंग का वेट डेड लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस केस में क्या करते हैं? रिजिड टाइप शियर वॉल यूज करते हैं जिसमें केवल फ्रेम होते हैं लाइक स्टील के ट्रसेस लगा देते हैं केवल। इसके बारे में आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद SCT इनफिल वॉल होती है जो हॉलो क्ले टाइल होती है। हॉलो क्ले टाइल में क्या पढ़ते हैं? हॉलो क्ले टाइल है
तो वो उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है कि वो आवाज को खींचता है, मतलब किस आवाज को खींच लेता है, रेलवे स्टेशन पे जो हॉर्न होते हैं उसके लिए CFRP प्लेट्स लग जाती है उसके अंदर। तो CFRP क्या होता है, कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, वो क्या करते हैं आवाज को खींचने का काम करता है, जिससे कि आप प्लेटफॉर्म पे देखते हो 10 गाड़ियां एक साथ आती हैं, लेकिन एक एक गाड़ी का जो हॉर्न है वो दूसरे गाड़ी के हॉर्न पे नहीं जाता, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वहां पे CFRP और ACT यूज किया गया है सीयर वॉल में। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है कॉलम सपोर्ट सीयर वॉल, कॉलम सपोर्ट सीयर वॉल कहां पे यूज करते हैं, जब आपका सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो हो, या आप सैंड में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से बांधने का काम जो हम लोग करते हैं ये कॉलम टाइप कॉलम सपोर्ट सीयर वॉल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और इसके बाद एक लास्ट होता है सीयर वॉल का टाइप, कपल वॉल सीयर वॉल, जो दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज कपल टाइप सीयर वॉल। तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। तो आई थिंक आपका सीयर वॉल का काम हो जाएगा। एटलीस्ट कोई आपसे पूछेगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि सीयर वॉल के बारे में नहीं पता है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट इज सीयर वॉल, तो सीयर वॉल के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इट इज अ वर्टिकल RC प्लेट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन टू थ्रू आउट ऑफ द बिल्डिंग हाइट, थ्रू आउट टू द बिल्डिंग हाइट। तो इसको क्या बोलते हैं सीयर वॉल। व्हाट इज द यूज ऑफ सीयर वॉल या व्हाई प्रोवाइडेड, बिकॉज सीयर वॉल क्या करता है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट को रोकता है, इस कंट्रोल द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लगते हैं, जैसे विंड है, सिस्मिक है, इनको लगाने के लिए क्या होता है हम लोग सीयर वॉल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा हम लोग के लिए, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन आपका थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको चाहिए डिफ्लेक्शन का एक वीडियो बने तो भी कर नीचे कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ये वीडियो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। सो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना नहीं आता, तो वैसे तो काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पे लोगों के, लेकिन अगर आपको मेरे से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। क्योंकि देखिए इसमें बेंडिंग मोमेंट मेथड, मतलब कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी इंपॉर्टेंट है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो दोनों पढ़ के आइए, क्या पता कौन सा दे दे, बट देगा जरूर अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विंड एनालिसिस की। तो मैं विंड एनालिसिस पे पहले इस पार्ट वन में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पार्ट वन में डिस्कस किया था कि VV K1 K2 K3 निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे 0.6 VZ स्क्वायर, तो उसको निकाल के हम लोग क्या निकालते हैं, विंड का प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद है यहाँ पे सेस्मिक एनालिसिस। सेस्मिक एनालिसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि सेस्मिक जोन कितने होते हैं, और एक मैंने न्यूमेरिकल भी सेस्मिक जोन पे आपको लगा के दिया था, तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सेस्मिक को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ उसके लिंक को, सेस्मिक वाले लिंक को, आप उनको अच्छे से देख लो दोस्तों। इसके बाद है IS 456 और IS 800। अब इसमें पढ़ोगे क्या, बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से आप पढ़ सकते हो क्या, उसमें पढ़ सकते हो ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, M20 तक क्या होता है, M10, M15, M20 क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, M25 to 55 क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, और 55 टू 80 अभी जो नया कोड आने वाला है उसमें 100 तक डिस्कस हुआ है, बट 55 टू 80 ये क्या है, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस में पढ़ लीजिए। स्लम का मैंने बताया हुआ कि स्लम जो होते हैं वो चार टाइप होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए, स्लम की वैल्यू कहाँ पे किसके लिए वेरी होता है उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए आप। स्लम की हाइट कितनी होती है, स्लम की हाइट होती है 300 mm ऊपर का जो उसका होता है ना, इस तरीके से स्लम आपका ये कुछ इस तरीके से, तो ये कितना होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर। अब कुछ लेगा आपसे mm में, तो आप बता दो यार 100 mm, ये कितना होता है 30 सेंटीमीटर, तो mm में कितना होगा 300 mm, ठीक है पॉइंट मत समझ लेना। और ये इसको ये क्या है 20 सेंटीमीटर कितना हो गया 200 mm। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके चार टाइप है, कौन कौन से, 2 slump test, 0 slump test, collapse slump test और सीयर स्लम टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करिए कि आप उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए। इसके बाद हम लोग बात करें मैनुअल डिजाइन ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग्स। ये बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैनुअल डिजाइन आपको नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर पर आप कितना भी करके दे दो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉफ्टवेयर वाला डाटा सही है कि गलत है। तो अच्छे से आप बीम, कॉलम, और मैंने भी साथ बीम और कॉलम का मैंने डिजाइन बताया हुआ है, और आप बीम, कॉलम, फुटिंग और स्लैब, फुटिंग में आइसोलेटेड पढ़ के जाइए और पाइल पढ़ के जाइए तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ दो तीन टॉपिक्स और हैं जो पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, अगर आपको टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं BBS दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर तक था ये 9 हो गया क्या, BBS ये क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्यों, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल बीम का भी पूछ सकता है, कॉलम का भी पूछ सकता है, स्लैब, फुटिंग, किसी का भी पूछ सकता है।
तो अगर इसके बारे में लैपिंग क्या होती है, क्रैंक लेंथ क्या होता है, एक्स्ट्रा बार क्या होते हैं, डेवलपमेंट लेंथ क्या होते हैं, सब इसके अंदर आने वाला है। तो आप इसके लिए जरूर बीबीएस को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब बीबीएस के बाद जो अच्छा है आपसे टॉपिक्स पूछ लेते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब बिल ऑफ क्वांटिटी आप मैनुअल निकाल सकते हो, एक्सेल पे निकाल सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसे निकाल के, बट पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि और भी डीप में मैं जाऊँ, लाइक एक एक टॉपिक्स के डीप में जाऊँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, और प्लस मुझे सजेस्ट भी करो कि सर ये टॉपिक्स चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि सर ई टैप्स, और देखिए इसके साथ ना सॉफ्टवेयर तो पढ़ के जाओगे ही आप, कौन सा, या स्टैड प्रो या ई टैप्स, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है तो स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर तो पढ़ के जाना ही है। तो आप ई टैप्स में क्या पढ़ोगे और स्टैड में क्या पढ़ोगे, हो सकता है स्टैड की वैकेंसी हो, सकता है ई टैप्स की हो या स्टैड की। तो जो स्टैड होता है, तो स्टैड में आपसे क्या पूछ सकते हैं, स्टैड में आपसे पूछ सकते हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड क्या होता है, वो एक ब्लॉक है उसके बारे में, फाइल फॉर्मेट क्या होता है .std इसके बारे में पूछ सकते हैं, और ई टैप्स में क्या पूछ सकते हैं, मास सोर्स क्या होता है, स्केल फैक्टर प्रोवाइड करते हैं मास सोर्स से, जिसने सीखा होगा उसको पता होगा, नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मैंने G+3 की बिल्डिंग एनालिसिस करके दिखाई थी, उसको सीख लेना भाई। और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं ई टैप्स का फॉर्मेट क्या होता है, .edb होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एडिट कैसे करते हैं फ्रेम को, स्लैब को कैसे एडिट करते हैं, थोड़ा वो, थोड़ा रिप्लीकेट के बारे में पढ़ लीजिए। रिप्लीकेट क्या करता है, एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी तक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का काम कौन करता है, रिप्लीकेट करता है, तो थोड़ा इनके बारे में स्टडी कर लीजिए। आई थिंक इतना आप अगर पढ़ के जाएंगे तो सिलेक्शन तो पक्का है। एक और वीडियो आएगा Part-3 जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन पक्का नहीं 100% हो जाए। तो अगर आपको ये Part-2 अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको अगर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि सर इस बहुत अच्छे टॉपिक्स मुझे लगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं दिन भर देखता रहता हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए इन पे वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ही जाना।